और मैंने ना आज फर्स्ट टाइम नाइट में गाड़ी निकाला हूँ। और कितना ब्राइटनेस देता है करके ठीक ठाक है। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी महसूस कमी महसूस होती है हेडलाइट की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ जिगर जादव और आप देख रहे हैं जे जे व्लॉग। तो दोस्तों हम लोग आज है ना, ये देखो हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों आज है ना हम लोग इसका हेडलाइट टेस्ट करने वाले हैं। और मैंने ना आज फर्स्ट टाइम नाइट में गाड़ी निकाला हूँ और मैंने नाइट में कभी इसको, मेरी जो जूनी वाली गाड़ी थी मैंने चलाया हूँ, और जो अभी मैंने जो नया मॉडल ख़रीदा है ये डुक 250 जनरेशन 3, तो इसको कभी मैंने नाइट में चलाया नहीं था। तो मुझे लगा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं नाइट के टाइम पे, तो मैंने इसको निकाला हूँ। बारिश का टाइम है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं तो ठीक ठाक है बाइक। अभी मैंने हेलमेट तो डाला हुआ है इसके ऊपर, पर और बाइक अच्छी और ब्राइट और अच्छी क्वालिटी की दे देती लाइट तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो ज़रूरत है। तो ये लो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हाई बीम दिखाता हूँ अभी। ये हाई बीम, ये लो बीम। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम बाइक चला रहा हूँ ये नाइट के टाइम में, ज़्यादा इसको रात में घूमता नहीं हूँ कहीं पे भी, और मैं अभी नाइट में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इसको। तो आज मैं इसका आज मैं जा रहा था कहीं काम से बाहर, तो मैं बोला चलो इसको लाइट हेडलाइट भी टेस्ट करते हैं कितना ब्राइटनेस देता है करके। तो ठीक ठाक है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा, मैं आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है यहाँ पे, और आप कैमरे में दिख रहा है पूरा प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, थोड़ी सी महसूस कमी महसूस होती है हेडलाइट की। तो आप एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगाओगे तो बेहतर होगा। ला ये तो कच्चा रास्ता है और मैं जहाँ से जाता हूँ वहाँ पे साइड में इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाए हुए, तो वहाँ पे ज़्यादा करके अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अभी ज़्यादातर करके हम लोग पूरा अंधेरा रहेगा वहीं पे ही वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ से कॉलेज स्टार्ट होता है ना, तो कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाया हुआ है तो स्ट्रीट लाइट का, तो वहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, वहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। और बीच बीच वाला गया हुआ है, अभी यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से पूरा रोड क्लियर हुआ है, मतलब पूरा प्लेन रोड है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देख सकते हो आप, अभी दिख रहा है आपको पूरा नाइट का वीडियो। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पोल है ना, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि लाइट बहुत ज़्यादा है। वीडियो नाइट के टाइम पे हम लोग ने कभी वीडियो बनाया नहीं है, तो देखेंगे। अभी फ़िलहाल बज गए 8 के शाम के, रात के 8 बज गए, और मुझे इतने नाइट देर तक मैं घर से कभी बाहर रहा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, तो काम था इसलिए आना पड़ा और आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी मुझे। और यहाँ पे ठीक ठाक से स्ट्रीट लाइट का पोल है ना, तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पूरा उजाला उजाला दिख रहा है। और लाइट जो हेडलाइट में बीच वाला गैप दिया है ना, मैं जाके लोकेशन पे आपको दिखाता हूँ, वो अगर पूरा प्लेन होता ना, जो ओल्ड वाला जो टूटी है ना उसकी तरह होता ना, तो बहुत बढ़िया होता था। थोड़ा लेके चलेंगे इसको हाईवे पे और भगाते हैं हाईवे पे, देखते हैं कैसे चलती है गाड़ी, मतलब हेडलाइट कैसे वर्क करती है, देखेंगे हम लोग। ये हमारा मुंबई गोवा हाईवे है ना, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, अभी देखते हैं काम चालू है, देखेंगे कब। बीच बीच में ऐसे खड्डे गिरते हैं ना, पूरा एक मैकविल उसमें समा जाएगा, ऐसे खड्डे गिर जाते हैं। आपकी लाइट कम होगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बीच बीच में ऐसे स्पीड ब्रेकर बिठाए, ड्राइवर उधर भी ऐसे जगह पर बिठाए लोग ने ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम लोग हाईवे निकल आ गए हाईवे पे, और लाइट की तो कमी है,
दिख रही है, कमी दिख रही है, आप देख सकते हो लाइट थोड़ा सा कम है, और थोड़ा बेटर हो सकता था। तो आप मुझे भी लगता है, मुझे मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसको निकाला हूँ नाइट में, और हाईवे पे भी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो मुझे लगा इसके प्रॉब्लम लगा लाइट में, ज़्यादा नहीं। अब मतलब आप चला सकते हो, अगर बारिश हो जाए होगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बारिश के टाइम पे जितनी भी लाइट ज़्यादा होती है ना आपको, हम लोग को कम ही लगती है, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हम लोग को। तो मैं इसको है ना ज़्यादा भी बैड कमेंट नहीं करूँगा लाइट में। पहले वाला जो MT15 आता था ना, उसमें भी लाइट थोड़ी सी कम थी, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग ने अपडेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसका भी अपडेट वर्जन आ जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से कंपनी को ध्यान देना चाहिए लाइट के ऊपर। और हम लोग यहाँ से लेते हैं यूटर्न, और GoPro का अपना बैटरी भी लो हो गया है, तो हम लोग ने पावर बैंक मांगा है, एक्स्ट्रा लेके आए हैं हम लोग। फिलहाल करते हैं अपना GoPro बंद, और हम लोग को जाने का है लोकेशन पे, फिर वहाँ से वीडियो बनाने के लिए हम लोग को GoPro में बैटरी ही नहीं रहेगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खड़ी है यहाँ पे, तो मैंने चलाया इसको लगभग 10-15 किलोमीटर चलाया, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। मैंने मेरे जो पूरा सुनसान रास्ता है, और जो जहाँ पे पूरा अंधेरा है वहाँ पे भी चलाया, अभी बारिश नहीं है, हाईवे पे भी चलाया, और मेरा जो सुनसान रोड है जहाँ पे पूरा अंधेरा रहते हैं वहाँ पे भी चलाया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे थोड़ी सी हेडलाइट की कमी महसूस हुई। और दोस्तों अभी देखो यहाँ पे मैंने पूरा हेजर्ड लाइट भी ऑन किया है, तो यहाँ पे खड़ी है, भी मैंने उसको ऑफ करके रखा है। तो दोस्तों अगर ये वाला बीच वाला यहाँ से ये देखो और बेटर हो सकती थी लाइट, ये बीच वाला पार्ट है ना हटा देते ना, तो और जो पुराना वाला मॉडल था उसकी तरह बना देते तो बहुत अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों जो पुराना वाला डुक 250 था ना, उसकी तरह हेडलाइट बना देते तो बहुत अच्छा हो जाता था। तो आप लोग को है ना बारिश के टाइम पे इसको है ना एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगाना पड़ेगा, मैं भी लगवाने वाला हूँ। तो अगर बारिश में अगर ज़्यादा आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो आपको डेफिनेटली लगवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और मैंने इसको नाइट में भी चलाया, मतलब जो हाईवे पे भी चलाया, और मेरा जो पूरा अंधेरा जहाँ पे रोड है वहाँ पे भी चलाया। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मुझे कमी मतलब हेडलाइट की थोड़ी सी कमी महसूस हुई, और एक्स्ट्रा फॉग लैंप हम लोग इसको लगवाने वाले हैं। अगर बम्बई में जाएंगे हम लोग तो वहाँ से लेके आएंगे, तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे लेंगे, और ऑनलाइन अगर मुझे पसंद आता है तो वहाँ से भी परचेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा दोस्तों।